ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कोल्ड चेन। याद रखिएगा, कोल्ड चेन के अंदर तीन और टॉपिक हैं जिन पे आपको शॉर्ट नोट आता है, दैट इज कोल्ड चेन इक्विपमेंट, शेक टेस्ट और VVM। ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कोल्ड चेन। सबसे पहली चीज़ कि भाई कोल्ड चेन का मतलब क्या होता है। कोल्ड चेन का मतलब होता है वैक्सीन जहाँ पे बनती है से लेके वैक्सीन जहाँ पे लगनी है वहाँ तक उसको लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट के समय और स्टोरेज के समय, उसको कहते हैं कोल्ड चेन। कोल्ड चेन का मतलब क्या होता है, वैक्सीन का लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड ड्यूरिंग स्टोरेज। कहाँ से कहाँ तक, जहाँ वो बनती है वहाँ से लेके जहाँ पे एक्चुअली में वैक्सीन लगनी है, दैट इज़ इम्यूनाइजेशन साइट तक। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो कि ये पुणे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यहाँ पे आपकी वैक्सीन बनती है। यहाँ से आएगी सबसे पहले भोपाल, अगर हम MP की बात करें तो भोपाल आती है। भोपाल आती है तो हम उसको कोल्ड बॉक्सेस में रख के लाते हैं। याद रखना, हमने लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। जब भोपाल पहुंच जाती है तो स्टेट लेवल पे वॉक इन फ्रीज़र और वॉक इन कोल्ड रूम होता है, यहाँ पे हम उसको स्टोर करते हैं। यहाँ भी हमने कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है। फिर कोल्ड बॉक्स की मदद से उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आ गई उज्जैन। उज्जैन के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आई तो हमने उसको ILR में स्टोर करके रखा। फिर वहाँ से उसको कोल्ड बॉक्सेस में ही रख के हम ले जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फॉर एग्जांपल CHC हम पहुँचाए, वहाँ पे भी हमने उसको ILR में कोल्ड टेम्परेचर में स्टोर करके रखा। उसके बाद फिर कोल्ड बॉक्सेस की मदद से हम ले गए उसको PHC पे ले गए, PHC पे भी हमारे पास ILR है तो कोल्ड बॉक्सेस में ट्रांसपोर्ट किया, ILR में हमने उसको स्टोर करके रखा। अब PHC से या तो वो आंगनवाड़ी सेंटर जा सकता है या तो वो सब सेंटर जा सकता है, दोनों जगह इम्यूनाइजेशन साइट होती है। वहाँ पे कैसे ले गए हम, वैक्सीन कैरियर में ले गए, वहाँ भी हमने लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा। अब यहाँ पे जहाँ पे इम्यूनाइजेशन हो रहा है वहाँ पे हमने आइस पैक वगैरह रख लिए, उन पे रख के उसके बाद इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, यहाँ भी हमने लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा। तो हुआ क्या, हमने लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा यानी कि कोल्ड, और मैन्युफैक्चरिंग से लेके, ये देखो पूरी की पूरी चेन बनती जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके एक्चुअली में जहाँ लगी, तो ये पूरी की पूरी चेन बन गई। तो कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन करके रखा और मैन्युफैक्चरिंग से इम्यूनाइजेशन साइट तक हमने चेन को लो टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखा, उसको कहते हैं कोल्ड चेन। समझ गए, नाम कोल्ड चेन क्यों पड़ा, कोल्ड लो टेम्परेचर के लिए, चेन जहाँ बनी से जहाँ लगनी है वहाँ तक हमने चेन को मेंटेन करके रखा ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज लो टेम्परेचर पे, दैट इज कोल्ड चेन। एक सवाल आता है आपको वाइवा में कि भाई सिक्स राइट्स क्या होती हैं सप्लाई चेन की। सिक्स राइट्स सप्लाई चेन की क्या होती हैं, सिक्स राइट्स होती हैं कि भाई सही वैक्सीन सही क्वांटिटी में सही जगह पे सही समय पे सही कंडीशन में सही दाम पे मिलनी चाहिए, दैट इज सिक्स राइट्स ऑफ सप्लाई कोल्ड चेन। अब एक और चीज़ होती है रिवर्स कोल्ड चेन। रिवर्स कोल्ड चेन क्या होता है, कोल्ड चेन हमने समझा था क्या होता है, कोल्ड चेन क्या होता है, कोल्ड चेन होता है लैब में वैक्सीन बनी और फील्ड में वैक्सीन लगी। आंगनवाड़ी सेंटर में लगती है, लेबोरेटरी में बनती है, तो लैब से निकली और फील्ड पे गई। तो रिवर्स कोल्ड चेन जो होगी, रिवर्स कोल्ड चेन उल्टा होगा इसका, फील्ड से कोई चीज़ लो टेम्परेचर पे हम लेके आएंगे लैब में, दैट विल बी रिवर्स कोल्ड चेन। तो क्या होगी वो, पोलियोमाइलाइटिस में देखा जाता है कि स्टूल सैंपल, हम फील्ड में सस्पेक्टेड लोगों के स्टूल सैंपल लेते हैं, फिर उसको जार में रखते हैं और लैब में लेके आते हैं, और ये जार को हम लो टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखते हैं। तो फील्ड से हमने स्टूल सैंपल लिया, लो टेम्परेचर में हम उसको लैब में लेके आए, रिवर्स कोल्ड चेन। लैब से फील्ड में गया, लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा, कोल्ड चेन। फील्ड से वापस लैब में लेके आए, लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा, रिवर्स कोल्ड चेन। ये आपसे वाइवा में बहुत पूछा जाता है। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाता है हीट सेंसिटिव और फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन क्या होती हैं। वैक्सीन ना छह कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं, A, B, C, D, E, F। ए याद रखना है मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, और F याद रखना है मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है।
हीट सेंसिटिव वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा हीट लगेगी तो ख़राब हो जाएगी, फ्रीज सेंसिटिव का मतलब ज़्यादा ठंडी होगी तो ख़राब हो जाएगी या फ्रीज होगी तो ख़राब हो जाएगी। तो ग्रुप ए से अगर ग्रुप एफ की तरफ बढ़ें तो हीट सेंसिटिविटी कम होती जाती है और फ्रीज सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है। अब अगर हम ILR की बात करें जो कि मेन कंपोनेंट है याद रखना कोल्ड चेन का, तो ILR जो होता है उसमें याद रखना, आपने अपने सांची डेयरी में देखा होगा, आपने आइसक्रीम कॉर्नर में देखा होगा, ये फ्रिज जैसे ही होता है मगर ये ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जो होता है ये नीचे से ठंडा करता है, हमारे फ्रिज ऊपर से ठंडे करते हैं याद रखना, इसलिए बर्फ़ ऊपर जमती है, ये नीचे से ठंडा करता है, तो नीचे का कंपार्टमेंट ज़्यादा ठंडा होता है इसीलिए ये फ्रीज कंपार्टमेंट बोल सकते हो, ऊपर का ठंडा तो होता है लेकिन कम ठंडा होता है इसलिए इसको कोल्ड कंपार्टमेंट कह सकते हो। तो जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन है ना जिनको कि ज़्यादा गर्म होने नहीं देना है उसको हम ILR के नीचे वाले पार्ट में रखते हैं, जबकि जो फ्री सेंसिटिव वैक्सीन है ना जिनको हमें ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है, सॉरी ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, यानी कि हमको जिनको फ्रीज नहीं होने देना है उनको हम ILR के ऊपर वाले कंपार्टमेंट में रखते हैं। हीट सेंसिटिव वैक्सीन ज़्यादा हीट लग गई तो ख़राब हो जाएंगी इसलिए उसको नीचे रख दिया, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन ज़्यादा ठंडी हो गई तो ख़राब हो जाएंगी इसलिए उसको ILR में ऊपर रख दिया। याद रखना कि ये ILR ऊपर से खुलता है, ऊपर से खुलता है तो बार बार यहाँ से हीट अंदर जाएगी, हीट अंदर जाएगी इसीलिए ये जो ऊपर वाली है ना ये हीट को ज़्यादा एक्सपोज होंगी, और क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसर है तो नीचे से ज़्यादा ठंडा करता है, कोल्ड नीचे से करता है, तो ये नीचे वाली जो होंगी ये ज़्यादा कोल्ड को एक्सपोज होंगी, इसीलिए ज़्यादा कोल्ड को एक्सपोज हो रही हैं तो यहाँ पे कौन सी नहीं रखनी है, यहाँ पे आपको फ्रीज सेंसिटिव नहीं रखनी है इसलिए फ्रीज सेंसिटिव हमने ऊपर रखी, और ये हीट को ज़्यादा ऊपर वाली जो है वो हीट को ज़्यादा एक्सपोज हो रही हैं इसलिए हीट सेंसिटिव हमने नीचे रखी, समझ गए। तो हीट सेंसिटिव हम कहाँ रखेंगे, लोअर पोर्शन ऑफ द ILR में, फ्रीज सेंसिटिव कहाँ रखेंगे, अपर पोर्शन ऑफ द ILR में। क्यों, क्योंकि ILR नीचे से ठंडा करता है इसीलिए ज़्यादा कोल्ड नीचे है, ऊपर से गर्म ज़्यादा होता है क्योंकि ऊपर से खुलता है इसीलिए ऊपर ज़्यादा गर्म है, तो हीट सेंसिटिव नीचे रख दो और फ्रीज सेंसिटिव ऊपर रख दो। एक और चीज़ होती है वैक्सीन्स में, दैट इज़ लाइट सेंसिटिव वैक्सीन। कुछ वैक्सीन्स होती हैं ना डायरेक्ट सनलाइट पड़ जाए तो ख़राब हो सकती हैं, जैसे कि BCG और मीज़ल्स या MR, तो उनको ना हम एम्बर कलर की वायल्स में लगते हैं। एम्बर कलर की वायल्स कैसी होती हैं, देखो ब्राउनिश कलर की वायल्स होती हैं, आप देखोगे रेडिश ब्राउनिश कलर की, तो जैसे कि आप गॉगल्स वगैरह पहनते हो ना उस टाइप से कि डायरेक्ट सनलाइट अंदर ना जा सके और वो ख़राब ना हो सके। तो लाइट सेंसिटिव वैक्सीन्स अगर आपसे कोई पूछता है तो बता सकते हो। कैसे याद करोगे, लाइट सेंसिटिव मिस्टर बी, एक मिस्टर बी हैं जो कि लाइट सेंसिटिव हैं, तो लाइट सेंसिटिव कौन सी है, मिस्टर इज MR, मीजल्स और रूबेला, बी इज BCG। फ्रीज सेंसिटिव क्या करोगे, फ्रीज सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, फ्रीज सेंसिटिव का मतलब होता है कि आप उसको ना थोड़ी सी हीट दे सकते हो, इसीलिए तो यहाँ से थोड़ी सी हीट आ रही थी ना, ऊपर से थोड़ी सी हीट आ रही थी क्योंकि बार बार ये खुल रहा था, इसीलिए आपने फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कहाँ रखी थी, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन आपने ऊपर रखी थी, तो जिसमें भी टी आता है ना उसको आप हीट सेंसिटिव, उसको आप फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन में डाल दो। तो टी किस में आता है, डाइल्यूएंट में आता है, हेपेटाइटिस में आता है, DPT में आता है, TT में आता है, TD में आता है, पेंटावेलेंट में आता है, तो इनमें सब में टी आता है तो इसलिए आप डाल सकते हो। हाँ जो नई वैक्सीन आई है उनमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, PCV और IPV, तो इनको छोड़ के बाकी टी वाली, और जैसे कि रोटा है, रोटा भी अभी नई वैक्सीन है इसलिए वो आप नीचे डालोगे, दैट इज हीट सेंसिटिव में, और PCV और IPV ऊपर डालोगे। ज़्यादातर जो टी वाली हैं रोटा को छोड़ के वो सारी की सारी आपकी फ्रीज सेंसिटिव में जाएंगी। अब ना वैक्सीन स्टोरेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई वैक्सीन स्टोरेज इंडिया में कैसे किया जाता है, कितने टेम्परेचर पे। तो इंडिया में अगर बात करें कोल्ड चेन टेम्परेचर कितना है, तो दैट इज़ +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि इंडिया में वैक्सीन्स को +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है, और ये किसका टेम्परेचर होता है आगे हम पढ़ेंगे कि ये ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है। अगर हम बात करें ज़्यादातर वैक्सीन अगर 2 से 8 पे आप रखते हो तो 5 हफ्ते तक तो आराम से आप रख सकते हो, इनफैक्ट ये चीज़ भी हम पढ़ेंगे ओपन वायल पॉलिसी के तहत 28 दिन या फिर 4 हफ्ते तक आप रख सकते हो ILR में।
तो इंडिया की बात करें, 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर होता है कोल्ड चेन टेम्परेचर, और अगर इतना टेम्परेचर है तो आप 5 हफ्ते तक आराम से वैक्सीन को स्टोर कर सकते हो। कुछ एक्सेप्शंस हैं वैक्सीन स्टोरेज में, वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि ओपीवी। मैंने क्या कहा, ज़्यादातर वैक्सीन्स को आप 2 से 8 में रखते हो। हाँ, रूटीन स्टोरेज में 2 से 8 में ILR में हम उसको स्टोर करके रखते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टोर करके रखना है या बल्क स्टोरेज करना है, तो बल्क स्टोरेज करना है या लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना है, तो आप उसको डीप फ्रीज़र में भी रख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये याद रखना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप ओपीवी को डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो, करना है नहीं, कर सकते हो अगर बल्क में करना है तो। और भी कुछ आपके एक्सेप्शन्स होते हैं, जैसे कि डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट को हाँ, आपको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना है, आपको उसी पे स्टोर करना है। मगर अगर आपके ILR में जगह नहीं है, तो आप उसको ILR के बाहर भी स्टोर कर सकते हो रूम टेम्परेचर पे। मगर याद रखना, डाइल्यूएंट का इस्तेमाल कहाँ होता है? डाइल्यूएंट जो होता है उसका इस्तेमाल होता है, जो पाउडर फॉर्म में वैक्सीन आती है ना, उसमें हम डाइल्यूएंट मिलाते हैं और उसके बाद फिर इंजेक्ट करते हैं। और ये डाइल्यूएंट पाउडर फॉर्म में मिलाने की प्रोसीजर को क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन करते समय अगर डाइल्यूएंट आपने क्या कहा, रूम टेम्परेचर पर रखा है, दैट इज 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो वैक्सीन पाउडर फॉर्म की जो वैक्सीन है आपकी, वो आपने ILR में रखी है जो कि 2 से 8 डिग्री में है। अब अगर आपने इन दोनों को मिला दिया, एक है 20 से 25 डिग्री पे, एक है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो पंगा हो सकता है। तो आपको ये नहीं करना है। इसीलिए वैसे तो आपको डाइल्यूएंट को 2 से 8 पे रखना चाहिए, मगर अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख रहे हो, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के 24 घंटे पहले आपको डाइल्यूएंट को ILR में रखना है, जिससे कि वैक्सीन और डाइल्यूएंट का टेम्परेचर सेम हो जाए और कोई डिफरेंस उसमें ना हो। समझ गए? तो डाइल्यूएंट आप रूम टेम्परेचर पर रख सकते हो, मगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के 24 घंटे पहले आपको उसको ILR में रखना है, जिससे कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन रहे तो डाइल्यूएंट और वैक्सीन दोनों ही 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे हों। सिंपल। उसके अलावा कुछ और एक्सेप्शन है, जैसे कि येलो फीवर वैक्सीन। येलो फीवर वैक्सीन की रेंज बहुत सारी होती है, -30 से लेके +5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप येलो फीवर वैक्सीन को रख सकते हो। उसके अलावा आप नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में विटामिन ए भी पढ़ोगे, तो याद रखिएगा विटामिन ए आप ILR में मुख्यतः नहीं रखते हो, आप उसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हो। अब हमने अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन्स हैं वो आपको रखनी तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं, कि आपने पाउडर वैक्सीन में डाइल्यूएंट मिला के रख दिया, मगर कितने समय तक उनको इस्तेमाल कर सकते हो? अगर BCG और मीजल्स हैं तो इन दोनों को आप सिर्फ 4 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि अगर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है तो उसको सिर्फ 2 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपसे PPG या PG एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पहली चीज़ तो कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं, तो आप याद कर सकते हो री, बी, मी और जी। तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG, मीजल्स और MR और JE। तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन्स आप ऐसे याद कर सकते हो। उसके अलावा 4 घंटे वाली कौन सी हैं, तो 4 में B, अगर आप 4 घंटे वाली बात करो तो BCGM, 4 कैपिटल लेटर्स हैं, जबकि 2 घंटे वाली में JE, 2 कैपिटल लेटर्स हैं। तो 2 घंटे और BCGM मिला के 4 कैपिटल लेटर्स हैं, तो 4 घंटे। ऐसे आप याद कर सकते हो वैक्सीन स्टोरेज के लिए। उसके बाद कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स आएगा। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको एटलीस्ट कोल्ड चेन के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद शुरू करते हैं हम कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स। हमने कोल्ड चेन पढ़ लिया, अब कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स पढ़ते हैं। कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहली चीज़ तो वॉक इन फ्रीज़र होता है, वॉक इन कोल्ड रूम होता है, उसके बाद डीप फ्रीज़र होता है, उसके बाद आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसके बाद डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स भी होते हैं, कोल्ड बॉक्सेस भी होते हैं, वैक्सीन कैरियर्स होते हैं, डे कैरियर होते हैं और
आइस पैक्स होते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स में पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स में सबसे पहले वॉक इन फ्रीज़र से। वॉक इन फ्रीज़र ऐसा दिखता है, एकदम ठंडा पन, -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मुख्यतः इसमें हम आइस पैक्स बनाते हैं बल्क में, और ओपीवी को जो मैंने आपको कहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप स्टोर करके रख सकते हो। तो वॉक इन फ्रीज़र का मेन काम आइस पैक्स बनाना ही होता है बल्क में, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप ओपीवी को स्टोर कर सकते हो। वॉक इन कोल्ड रूम, वॉक इन कोल्ड रूम जो होता है वो भी ऐसा कमरा टाइप का होता है जिसके अंदर आप बल्क में वैक्सीन को स्टोर करते हो। मुख्यतः ये स्टेट लेवल पे हम करते हैं, तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। बल्क में जब आप वैक्सीन स्टोर करते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मुख्यतः जो स्टेट लेवल के या रीजनल सेंटर्स होते हैं ना, या डिपो होते हैं, वहाँ पे आप वॉक इन कोल्ड रूम में वैक्सीन्स को स्टोर करते हो। उसके बाद आता है डीप फ्रीज़र। जो डीप फ्रीज़र होता है इसमें याद रखने वाली चीज़ दो हैं। पहली तो -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको इसका टेम्परेचर रखना है, और इसमें मुख्यतः हम आइस पैक्स बनाते हैं। आइस पैक क्या होते हैं, ये प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ होता है, उसको हम इसके अंदर रख देते हैं और इसमें पूरी की पूरी बर्फ़ जम जाती है। तो ये आइस पैक्स होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे आइस पैक्स क्या है। डीप फ्रीज़र में आपको याद रखने वाली कुछ चीज़ें, पहली चीज़ तो आपको ऐसे नहीं रखना है, चिपका के नहीं रखना है, आपको ऐसे क्रिस क्रॉस मैनर में रखना है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है जब आप फ्रिज में ट्रे रखते थे, बर्फ की ट्रे, तो अगर आपने साथ में ऐसे रख दिया तो क्या होती हैं, ये एकदम चिपक जाती हैं, तो फिर उसको तोड़ तोड़ के निकालना पड़ता है। तो यही चीज़ यहाँ पर हो सकती है, इसीलिए आपको ऐसे चिपका के नहीं रखना है। वही यहाँ पे लिखा है कि नेवर अरेंज स्टोर आइस पैक्स इन फ्लैट पोजीशन। फ्लैट पोजीशन में आपको नहीं रखना है, आपको हमेशा ये क्रिस क्रॉस मैनर में आपको रखना है। क्रिस क्रॉस मैनर में आप क्यों रखोगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि अनफ्रोजन आइस पैक्स जो है वो क्रिस क्रॉस पैटर्न में रखना है, जिससे कि बीच से अच्छे से हवा सर्कुलेट हो सके। ये देखो बीच में अच्छे खासे गैप हैं इनके, तो बीच से हवा सर्कुलेट हो सके जिससे वो अच्छे से फ्रीज हो जाएं। अब देखो इनको लेयर्स में रखा हुआ है, ये देखो ये सबसे नीचे वाली लेयर ऐसी है, उसके ऊपर वाली लेयर ऐसी है, उसके ऊपर वाली लेयर ऐसी है। तो क्रिस क्रॉस मैनर में आप आइस पैक्स को डीप फ्रीज़र के अंदर रखते हो। याद रखना कि इसको फ्लैट पोजीशन में नहीं रखना है, वरना ये चिपक के टूट जाएंगे, इसीलिए आपको क्रिस क्रॉस मैनर में रखना है डीप फ्रीज़र के अंदर। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कोल्ड चेन की होती है, दैट इज़ आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है कोल्ड चेन का। इसमें आप वैक्सीन्स को रखते हो, 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर ये मेंटेन करके रखता है। याद रखना कि इसमें दो बार इसका टेम्परेचर, डेली 2 बार टेम्परेचर चेक किया जाता है कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है कि नहीं है। मुख्यतः हॉरिजॉन्टल लेवल पर रखना चाहिए, मतलब कि एक से लेवल पे इसको रखना चाहिए, टेढ़ा एढ़ा नहीं होना चाहिए। और अगर आप इसको एटलीस्ट एक दिन में 8 घंटे की बिजली भी दे दो, तो पूरे दिन ये ILR 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। यानी कि अगर इसको 8 घंटे की बिजली भी मिल जाए ना, तो ये पूरा दिन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। आप इसमें आराम से वैक्सीन स्टोर कर सकते हो। अलग अलग आते हैं, लार्ज ILR होता है, स्मॉल ILR होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप देखोगे तो 240 से 300 लीटर के मिलते हैं ILR, जबकि PHC पे 140 लीटर के ILR आपको मिलते हैं। अब ILR जो होता है, हम पहले भी देख चुके हैं कि ILR आपके फ्रिज से अलग होता है। आपका फ्रिज है ये, फ्रिज में ऊपर क्या होता है, फ्रीज कंपार्टमेंट होता है, यहाँ पे आप बर्फ रखे रहते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ऊपर से ठंडा कर रहा है, इसलिए ये फ्रीज कंपार्टमेंट होता है, और ये कोल्ड कंपार्टमेंट होता है नीचे वाला, जहाँ पे आप खाने आने का सामान रखते हो और सब्जियाँ वब्जियाँ रखते हो। मगर ILR इससे अलग है। ILR याद रखना ऊपर से खुलता है और नीचे से ये ठंडा करता है। नीचे से ठंडा करता है तो नीचे वाला जो पार्ट होगा ना, इसको दो भागों में विभाजित कर दें, नीचे वाला पार्ट जो होगा वो फ्रीज कंपार्टमेंट होगा और ऊपर वाला जो होगा वो कोल्ड कंपार्टमेंट होगा। यानी कि नीचे वाला ज़्यादा ठंडा होगा, ऊपर वाला कम ठंडा होगा, जो हमने पहले समझा। तो
ऊपर वाले पार्ट में या कोल्ड पार्ट में आप कौन सी रखोगे? फ्रीज सेंसिटिव। फ्रीज सेंसिटिव कौन सी वैक्सीन होती हैं? वो जो कि फ्रीज नहीं होने देना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, वरना खराब हो जाएंगी। फ्रीज से सेंसिटिव हैं, इसीलिए उनको ऊपर रखा, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रीज कंपार्टमेंट है, यहाँ पे हमको नहीं रखना है। तो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को हम अपर पार्ट में रखते हैं ILR के, या कोल्ड पार्ट में रखते हैं। कौन कौन सी हैं? वही हमने देखा था जिनमें टी लग रहा है, PCV IPV छोड़ के। तो TD, DPT, हेपेटाइटिस बी, IPV, पेंटा, ये सब, और साथ में डाइल्यूएंट का टी भी आता है। तो TB इसको हमने पढ़ा कि 24 घंटे पहले रखना है रिकन्स्टिट्यूशन के। तो डाइल्यूएंट, हेपेटाइटिस, पेंटा, DPT, TT, और उसके अलावा PCV और IPV। उसके बाद हीट सेंसिटिव वैक्सीन जो होती हैं, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है तो भाई हमने बताया था कि ये ना ऊपर से बार 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 खुलता रहता है ILR, तो ऊपर से हीट आती रहती है। तो अगर हमने हीट सेंसिटिव वैक्सीन यहाँ पे रख दी तो हीट तो इसको ख़राब कर देगी, इसीलिए हीट सेंसिटिव वैक्सीन हम फ्रीज कंपार्टमेंट में रखते हैं। ठीक, तो हीट सेंसिटिव वैक्सीन जो होती है बॉटम या फिर फ्रीज़र कंपार्टमेंट में हम रखते हैं, जैसे कि OPV, BCG, मीजल्स, JE, उसके अलावा रोटा, ये सब हम नीचे वाले कंपार्टमेंट में। तो आप देख सकते हो बाहर से तो वैसे ही सब सेम दिखते हैं, इसमें जब आप ILR को देखोगे तो ये बास्केट बनी हुई है ऊपर। तो ये बास्केट क्यों? जिससे ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट बन सके। ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट जो है उसके लिए ये बास्केट है, और नीचे आप ये देख रहे हो प्लेटफॉर्म नीचे बना हुआ है, वो नीचे वाला कंपार्टमेंट आपके ये फ्रीज के लिए है। तो नीचे जो आपको दिख रहा है ये, यहाँ पे आप कौन सी रखोगे? जो आपकी हीट सेंसिटिव वैक्सीन है उनको नीचे रखोगे बॉटम या फ्रीज़र कंपार्टमेंट में, जबकि ये जो बास्केट है यहाँ पे आप कौन सी रखोगे? यहाँ पे आप फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन रखोगे अपर पार्ट या कोल्ड पार्ट में। समझ गए? तो इतनी है। उसके अलावा ये साइड में भी जगह होती है, ओपन वायल पॉलिसी के तहत जो खुली हुई वैक्सीन्स वापस आती हैं उनको आप यहाँ पे सेपरेट कंटेनर में रखते हो। ठीक, तो ये हो गया आपका ILR। ILR आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोल्ड चेन का। उसके बाद आते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स कौन से? जो हमारे घर के रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जो फ्रंट लोडिंग होते हैं कि सामने से जो खुलते हैं। इसमें ना आपके पास दोनों चीज़ें हैं, मुख्यतः तो ये 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, लेकिन याद रखिएगा इसमें आपका पास डीप फ्रीज़र भी है, जिसको कि आप फ्रीज़र कंपार्टमेंट, ये जो ऊपर वाला पार्ट जिसमें आप बर्फ़ जमाते हो ना, ये आपका हो जाएगा एक तरह से फ्रीज़र कंपार्टमेंट, और सॉरी, ये हो जाएगा आपका डीप फ्रीज़र। ये आपका डीप फ्रीज़र हो जाएगा, यहाँ पे आप आइस पैक बना सकते हो, जबकि ये जो पूरा है ना आपका, ये हो जाएगा आपका ILR। तो यहाँ पे आप वैक्सीन्स को रख सकते हो, यहाँ पे आप आइस पैक रखते हो। अब जो आपका नीचे वाला है, ये तो आपका जहाँ पे आप बर्फ़ जमाते हो, जो बर्फ़ जमाते हो वो कौन सा हो गया आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स में? ये आपका डीप फ्रीज़र जैसा काम करेगा, यहाँ पे आप आइस पैक्स बना सकते हो। तो वही लिखा है, आइस पैक को आप फ्रीज़र कंपार्टमेंट में यहाँ पे रख दो। अब जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है ना, ये आपका पूरा का पूरा ILR जैसा काम करेगा। तो ILR में भी आपके पास दो थे, कौन कौन से थे ILR में? ILR जो है उसके आपके पास जो टॉप शेल्फ है वो आपका, एक तरह से अगर हम बात करें तो वो फ्रीज़र कंपार्टमेंट जैसा काम करेगा, जबकि जो नीचे मिडिल शेल्फ है वो आपका कोल्ड कंपार्टमेंट जैसे काम करेगा। तो वही है, कोल्ड कंपार्टमेंट में आप कौन सी रखते थे? कोल्ड कंपार्टमेंट में आप फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन रखते थे, वही रखिए यहाँ, पेंटा, TD, हेपेटाइटिस। उसके अलावा टॉप शेल्फ जो है उसमें आप कौन सी रखते थे? हीट सेंसिटिव, तो वही रखिए हैं, OPV, रोटा, मीजल्स, BCG वगैरह। तो ऐसे आप डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते हो कि ऊपर वाला पार्ट आपका डीप फ्रीज़र जैसा काम करेगा, इसमें आप आइस पैक बना सकते हो। नीचे वाला पार्ट जो है वो आपका ILR जैसा काम करेगा, इसमें आप वैक्सीन रख सकते हो। उसमें भी जो अपर शेल्फ है वो आपका फ्रीज़र कंपार्टमेंट जैसा रहेगा, यानी कि इसमें आप हीट सेंसिटिव वैक्सीन रख सकते हो। मिडिल शेल्फ जो है इसमें आपको ये कोल्ड कंपार्टमेंट जैसा काम करेगा, इसमें आप फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन रख सकते हो। और जो सबसे नीचे वाला कंपार्टमेंट होता था, याद है, जिसमें हम सब्जी वब्जी रखते हैं अपने यहाँ, इसमें ना आप पानी से भरे हुए आइस पैक्स रख सकते हो, कि अगर ये वाले ऊपर वाले खाली हो गए तो फिर आप यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स में एक और चीज़ आती है, दैट इज़ कोल्ड बॉक्सेस। कोल्ड बॉक्सेस क्या होते हैं? हमने देखा था वो डायग्राम में, पूरे
टाइम ट्रांसपोर्टेशन के समय कोल्ड बॉक्सेस का इस्तेमाल हो रहा था। ट्रांसपोर्टेशन तो सबसे मुख्य काम है ही, मगर आपने देखा था कि हमने CHC PHC पे भी उसको रखा हुआ था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के समय तो हमने कोल्ड बॉक्सेस का इस्तेमाल किया था, लेकिन आप देखो यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी साइड में रखे हुए हैं, PHC CHC में भी साइड में रखे हुए हैं। ये क्यों रखे हुए हैं? ये इसलिए रखे हुए हैं आपके कोल्ड बॉक्सेस की अगर कभी पावर फेलियर हो जाए, ठीक है, जनरेटर है वो भी ख़राब हो गया, सब ख़राब हो गया, पावर फेलियर हो जाए, या समय समय पे हम ILR को डिफ्रॉस्ट करते रहते हैं, तो अगर हम डिफ्रॉस्ट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ये कोल्ड बॉक्स को खोलते हैं, उसके बाद उसमें ऐसे आइस पैक्स को जमाते हैं, और जमे हुए आइस पैक, याद रखना, वो जो डीप फ्रीज़र से निकालेंगे ना, कंडीशनिंग करके उनको यहाँ पर रख दिया, और फिर यहाँ पर आप वैक्सीन वाइल्स को रख के क्लोज कर दो, तो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर आपका इसके अंदर मेंटेन रहेगा। इसके लिए आपको याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी और स्टोरेज में जब आप डिफ्रॉस्ट करते हो या पावर फेलियर होता है तब आप कोल्ड बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद आता है वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर क्या होता है, वहाँ पे हमने देखा था, याद है, जो कि PHC से या तो इम्यूनाइजेशन साइट जो है सब सेंटर या आंगनवाड़ी पे, वहाँ पे ले जाने के लिए हम वैक्सीन कैरियर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो वैक्सीन कैरियर मुख्यतः यहाँ पे आखिरी में इस्तेमाल होता है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा वैक्सीन इसमें रख नहीं सकते, इसलिए सिर्फ इम्यूनाइजेशन साइट पे ले जाने के लिए मुख्यतः इसका इस्तेमाल होता है। तो 16 से 4 आइस पैक रखते हैं, ये आपका वैक्सीन कैरियर बाहर से दिखता है। अगर आप इसको खोलोगे तो यहाँ 4 खाँचे होते हैं जिसमें आप 4 आइस पैक रख सकते हो, और इन 4 आइस पैक जब आपने रख दिए वही कंडीशनिंग के बाद, तो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर इसका मेंटेन हो जाता है। उसके बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पे आप वैक्सीन्स रख सकते हो। कितनी वैक्सीन्स रख सकते हो वैक्सीन कैरियर में? 16 से 20 वायल्स वैक्सीन के रख सकते हो। तो याद रखने वाली चीज़, 4 आइस पैक रखते हैं इसमें, 16 से 20 वायल्स रखते हैं। कहाँ इस्तेमाल होता है? जो फोकल पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट यानी कि जहाँ पे वैक्सीन स्टोर करते हैं मुख्यतः PHC या CHC जो होता है, वहाँ से जो सेशन साइट है, सेशन साइट मुख्यतः सब सेंटर या आंगनवाड़ी सेंटर होता है, वहाँ तक ले जाने के लिए हम वैक्सीन कैरियर का इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ पे ले जाओ सेशन पे, जब लग जाए तो उसके बाद वापस PHC पे ले आओ, क्योंकि PHC पे हमारे पास ILR रखा हुआ है। उसके बाद डे कैरियर भी होता है, वैक्सीन कैरियर का छोटा रूप होता है डे कैरियर, तो इसमें ना 2 आइस पैक रखते हैं, और अगर छोटा है तो बट ऑब्वियसली इसमें 6 से 8 वायल्स ही आ पाएंगी। डे कैरियर आजकल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, फील्ड पे भी आप जाओगे तो आपको डे कैरियर नहीं दिखेगा, मुख्यतः आजकल सिर्फ वैक्सीन कैरियर का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए 2 चीज़ें, पहला 2 आइस पैक आते हैं इसमें, 4 नहीं और 16 से 20 नहीं, इसमें 6 से 8 वायल्स रख सकते हैं। उसके बाद सबसे आखिरी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने देखी है आइस पैक। आइस पैक किस में बनाया जाता है? तो हमने पढ़ा था कि हमने आइस पैक किस में बना रहे थे, डीप फ्रीज़र में हम आइस पैक को बना रहे थे। डीप आइस पैक का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन के समय वैक्सीन कैरियर या कोल्ड बॉक्स में आप इसको रखते हो, उसके अलावा इम्यूनाइजेशन जहाँ पे हो रहा है सेशन साइट, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है वो हम बताएंगे अभी। कैपेसिटी कितनी होती है? 320 से 340 ml पानी इसमें भर सकते हो। इसमें ना ये हॉरिजॉन्टल मार्क होता है, आपको पानी बस यहीं तक भरना है, ये खाली जगह आपको हवा रखनी है, यहाँ पे आपको पानी नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ तक पानी भर दिया ना, तो जब बर्फ़ जमेगी तो आइस पैक टूट जाएगा, इसीलिए ये जो वाटर मार्क है यहाँ तक आपको पानी भरना है, ये जो जगह है ये आपकी एयर के लिए है। उसके बाद एक और चीज़ याद रखना, ये इसके अंदर सिर्फ पानी भरना है, पानी के अलावा उसमें और कुछ भी नहीं मिलाना। कई लोग बोलते हैं नमक मिला दो, फलाना ढिकाना, कुछ नहीं, सिर्फ पानी मिलाना है, पानी के अलावा और कुछ नहीं डालना है इसके अंदर, ठीक। इसके बीच में ये 2 छेद होते हैं, ये काय के लिए होते हैं, ये ना वैक्सीन्स रखने के लिए होते हैं इम्यूनाइजेशन साइट पे, हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स। ये दोनों पॉइंट हम समझेंगे इस वाले डायग्राम से क्या होता है। तो आप इम्यूनाइजेशन सेशन साइट पे चले गए हो, वहाँ पे आपको इम्यूनाइजेशन करना है, तो ये आपका वैक्सीन स्टैंड आता है, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, यहाँ पे एक आइस पैक बना होता है,
जिस पे आप आइस पैक रख देते हो, ये आपने आइस पैक रख दिया इस पे। उसके अलावा ये ऐसे गोले बने रहते हैं इसके पास में, याद रखना यहाँ पे आप देखो चिपका हुआ नहीं है ये, इसके बीच में गैप है। तो यहाँ पे इन गोलों पे आप वैक्सीन्स को रख देते हो, और जो गोले इसके ऊपर बने हुए हैं इनके अंदर भी आप वैक्सीन रखते हो। डिपेंड्स कि कौन सी वैक्सीन कहाँ रखनी है, ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है। तो याद है हमने पढ़ा था ज़्यादा ठंडी किसको रखना है, ज़्यादा ठंडी रखना है आपको हीट सेंसिटिव वैक्सीन को। तो हीट सेंसिटिव वैक्सीन आप आइस पैक के ऊपर रखोगे, इन छेद के अंदर रखोगे और आइस पैक के ऊपर। तो ये देखो रोटा रखी हुई है, ओपीवी रखी हुई है, मीजल्स रखी हुई है, बीसीजी रख सकते हो, तो जो कि आप आइस पैक से छुआ के रखते हो। तो हीट सेंसिटिव वैक्सीन आइस पैक से छू के रखनी चाहिए, तो ये आपकी गोले के अंदर या ऊपर आप रख सकते हो। यहाँ पे देखो आप पास में है लेकिन छुई हुई नहीं है, क्यों ऐसा? क्योंकि ना पास से जब आप रखते हो तो ये ठंडक देता रहता है, ठंडक देता रहता है, तो 2 से 8 डिग्री आपको यहाँ भी मेंटेन रहता है, ठंडक दे रहा है लेकिन छुआ नहीं है, याद रखना। तो अगर आपसे कोई पूछे वाइवा में, आपसे बोलते हैं कि भाई रख के दिखाओ, तो आप ऐसे आइस पैक रख देना, उसके ऊपर हीट सेंसिटिव वैक्सीन रख देना, और उसके पास में फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन रख देना। ये देखो गैप है, तो गैप रखना आप उनके पास में। तो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन जो है उनको आपको छुआ के नहीं रखना है, हीट सेंसिटिव को आपको छुआ के या उसके ऊपर रखना है, ठीक। तो ये हो गया आपका कि भाई हीट सेंसिटिव वैक्सीन और फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन आपको कहाँ कहाँ रखनी है आइस पैक में। अब एक और चीज़ होती है, कंडीशनिंग ऑफ द आइस पैक क्या होता है। कंडीशनिंग ऑफ द आइस पैक होता है कि ये आपने डीप फ्रीज़र है, डीप फ्रीज़र के अंदर याद है हम आइस पैक बना रहे थे, पानी भर के आइस पैक को रख दिया था, क्रिस क्रॉस मैना में रख रहे थे, वहाँ से आपने निकाला, एक टेबल पर रखा, ऐसे आपने जमा दिया आइस पैक। फिर आपने वेट किया कि छोटे 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 ड्रॉपलेट्स आ जाएं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ गई, तो आपने उसको कपड़े से साफ़ किया, फिर ऐसे हिला के देखा, अगर खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आ रही है यानी कि बर्फ़ चारों तरफ से छोड़ दी है, अब वो ऐसे ज़्यादा ड्रॉपलेट नहीं बनाएगी, तो फिर उसके बाद आपने इसको वैक्सीन कैरियर के अंदर रख दिया। ये होती है आपकी कंडीशनिंग ऑफ द आइस पैक कि आपने बर्फ़ जमे हुए आइस पैक निकाला, थोड़ी देर के लिए बाहर रखा, जब ड्रॉपलेट्स आ गए कपड़े से साफ़ किया, हिला के देखा, खड़खड़ आवाज़ आ रही, उसके बाद रखा। तो कंडीशनिंग करने के बाद आप इसको वैक्सीन कैरियर में रखते हो। ऐसा क्यों? फॉर एग्जांपल आप रात में पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया ये टेबल है इस पे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको रात में प्यास लगी, आप गए फ्रिज खोला, आपने एकदम फ्रीज़र कंपार्टमेंट से एकदम चिल्ड बॉटल, बर्फ़ जमी हुई बॉटल लेके आए और यहाँ पे आपने रख दी, ठीक है, और आप अपना यहाँ पे बढ़िया किताब रखी हुई है, आप पढ़ रहे हो, करेगा क्या, इसमें पहले ड्रॉपलेट्स आएंगी, फिर ये खूब सारा पानी छोड़ देगा और आपके नोट्स और किताब ख़राब हो गई। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी ये टेबल है, आपने यहाँ से फ्रीज़र कंपार्टमेंट से निकाला, आपने बॉटल को नीचे रखा, छोटे छोटे ड्रॉप आ गए, आपने उसको कपड़े से पोंछा, उसके बाद आप रखोगे तो क्या होगा, पानी नहीं छोड़ेगी। वही चीज़ यहाँ होती है कि अगर आपने डीप फ्रीज़र से डायरेक्ट निकाल के वैक्सीन कैरियर में रख दिया होता तो वो पूरा का पूरा पानी जितना उसको छोड़ना है वो छोड़ देती और वैक्सीन कैरियर के अंदर पानी भर जाता, तो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं होता, तो एकदम चिल्ड पानी हो जाता, एकदम चिल्ड, जैसे कि लियोनार्डो डिकैप्रियो निपट गया था ना टाइटैनिक में, वैसे ही आपकी वैक्सीन भी निपट जाएंगी बहुत चिल्ड पानी में, तो आपको वो नहीं करना है। तो अपने लियोनार्डो को तो कंडीशनिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन आप आइस पैक की कंडीशनिंग करा देना। तो कंडीशनिंग ऑफ द आइस पैक यहाँ ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आपको आइस पैक में क्या क्या याद रखना है, ट्रांसपोर्टेशन के समय और इम्यूनाइजेशन साइट के समय इसका इस्तेमाल होता है। इम्यूनाइजेशन साइट वाले फ़ोटो आपने यहाँ देख ली, ट्रांसपोर्टेशन वाले की जगह यहाँ देखो वैक्सीन कैरियर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो रहा है आइस पैक, डे कैरियर में आइस पैक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो रहा है, और कोल्ड बॉक्स में आइस पैक यूज़ हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो हर जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए आइस पैक का इस्तेमाल हो रहा है, कोल्ड बॉक्स हो, चाहे वैक्सीन कैरियर हो, चाहे डे कैरियर हो। उसके अलावा इम्यूनाइजेशन साइट पे भी आइस पैक का इस्तेमाल हो रहा है। आप आइस पैक के ऊपर कौन सी रखोगे, आइस पैक के ऊपर रखोगे आप जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, और आइस पैक के पास में रखोगे जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। बस याद रखने वाली चीज़ कि आइस पैक की कंडीशनिंग कर लेना,
वैक्सीन कैरियर के अंदर रखने से पहले। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स में पता होनी चाहिए। उसके बाद अलग अलग लेवल्स पे कौन कौन से कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स होते हैं ये भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टेट लेवल पे कौन कौन से होते हैं, तो स्टेट लेवल पे हमने देखा था, स्टेट लेवल पे हमारे पास वॉक इन फ्रीज़र और वॉक इन कोल्ड रूम था, इसमें आप 3 महीने तक स्टोर कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारे पास ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, इस पर हम लार्ज ILR और लार्ज डीप फ्रीज़र होता है, इसमें आप 1 महीने तक वैक्सीन स्टोर कर सकते हो। CHC और PHC लेवल पे आपने देखा था कि आपके पास ILR और डीप फ्रीज़र, स्मॉल ILR और स्मॉल डीप फ्रीज़र होते हैं, तो इसमें आप 1 महीने तक यहाँ भी आप वैक्सीन को स्टोर कर सकते हो। उसके अलावा सब सेंटर लेवल पे आप देखोगे तो वैक्सीन कैरियर या डे कैरियर की मदद से आप ले जाते हो, तो वैक्सीन कैरियर डे कैरियर में सिर्फ 2 से 3 दिन तक कर सकते हो, करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा सेशन साइट पे हमने देखी थी इस वाली चीज़ की फ़ोटो कि कैसे आप आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हो सेशन साइट पे, उसमें बस 1 से 3 घंटे आप रख सकते हो, तो 1 से 3 घंटे ही रख सकते हो और 48 से 72 घंटे ही रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको वैक्सीन स्टोर नहीं की जाती है, याद रखना, सब सेंटर या आंगनवाड़ी सेंटर पे नहीं। आखिरी पॉइंट जो है जहाँ पे वैक्सीन स्टोर करते हैं, दैट इज़ PHC। आप यहाँ भी देख सकते हो ILR में वैक्सीन स्टोर करते हैं, वैक्सीन कैरियर डे कैरियर तो ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्यतः है, तो ILR कहाँ पे है? PHC लेवल पे है। वैक्सीन स्टोर करने को क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट आपका कोल्ड चेन में सबसे आखिरी फोकल पॉइंट कौन सा है? PHC है, याद रखना। तो मिनिमल लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज आपका कोल्ड चेन में या फोकल पॉइंट आपका कोल्ड चेन का इंडिया में PHC है, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आप मुख्यतः ट्रांसपोर्ट करते हो सब सेंटर या आंगनवाड़ी सेंटर में मुख्यतः वैक्सीन कैरियर या डे कैरियर से, आजकल डे कैरियर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता, वैक्सीन कैरियर से आप PHC से लेके जाते हो सेशन साइट पे। सवाल ये है कौन लेके जाता है? ये भाई साहब कौन है? ये भाई साहब हैं AVD, ये अभी नए नए आए हैं और इसको याद रखना, AVD इज ऑल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम शुरू किया गया है। इसका काम सिर्फ होता है, एक सेपरेट वर्कर होता है जिसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना वैक्सीन को फोकल पॉइंट से सेशन साइट तक, बस। तो फोकल पॉइंट आपका PHC है, यहाँ पे AVD आया, उसने वैक्सीन कैरियर में वैक्सीन रखी, अगर सब सेंटर पे है तो सब सेंटर पे दे गया वैक्सीन, अगर आंगनवाड़ी सेंटर पे है तो आंगनवाड़ी सेंटर पे AVD वैक्सीन आपको दे के चला जाएगा। तो आपका फोकल पॉइंट क्या होता है? फोकल पॉइंट जहाँ पे वैक्सीन स्टोर की जाती है, सबसे आखिरी फोकल पॉइंट क्या है? PHC। PHC के बाद क्या होता है? AVD जो होता है सब सेंटर या आंगनवाड़ी सेंटर पे वैक्सीन्स को ले जाता है वैक्सीन कैरियर या डे कैरियर में रख के। तो एक और क्वेश्चन जो बनता है कि सबसे ज़्यादा चांसेस कोल्ड चेन फेलियर के कहाँ होते हैं? कोल्ड चेन फेलियर का मतलब क्या होता है कि वैक्सीन जो कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में हमको रखनी थी, हम नहीं रख पाए, इसकी वजह से वैक्सीन ख़राब हो गई, दैट इज़ कॉल्ड एज वैक्सीन फेलियर। तो सबसे ज़्यादा चांसेस वैक्सीन फेलियर के कहाँ होते हैं? सब सेंटर लेवल और आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे। ऐसा क्यों? सबसे अच्छा वैक्सीन स्टोर या टेम्परेचर मेंटेन कायम हो सकता है ILR में, है ना, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कर सकते हैं। उसके अलावा ये डे कैरियर, वैक्सीन कैरियर, आइस पैक, इनमें बहुत कम समय तक हो सकता है और ये बार बार खुलते बंद होते हैं, तो इसमें बहुत अच्छे से नहीं मेंटेन कर सकते। तो ILR आखिरी बार कहाँ देखा था? PHC पे। तो इसीलिए PHC लेवल के बाद ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वहाँ वैक्सीन फेलियर देखने मिलेगा, इसीलिए सब सेंटर और आंगनवाड़ी सेंटर या इम्यूनाइजेशन साइट पे सबसे ज़्यादा हमको कोल्ड चेन फेलियर देखने मिलता है, समझ गए? तो कोल्ड चेन फेलियर सबसे ज़्यादा सब सेंटर लेवल या विलेज लेवल पे हमको देखने मिलता है। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स में अगर आपको क्वेश्चन होता है तो पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है थोड़ी सी चीज़ें जो हमको पता होनी चाहिए कि भाई इन पे भी सवाल आ सकते हैं वाइवा में, जैसे कि होल्ड ओवर टाइम आपसे पूछा जाता है। होल्ड ओवर टाइम क्या होता है कि कितना समय लिया कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स में कि उनको मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचने का लॉस ऑफ पावर में, यानी कि अगर बिजली चली जाती है या पावर चला जाता है तो कितना समय लगेगा एक कोल्ड चेन इक्विपमेंट को अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुँचने के लिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड उसको मेंटेन करके रखना है और बिजली चली गई तो कितना समय लगेगा उसको 8 के ऊपर जाने में, दैट इज़ आपका होल्ड ओवर टाइम। उसके अलावा डायल थर्मामीटर भी होता है। डायल थर्मामीटर होता है कि भाई इसको हमने ILR के अंदर रखते हैं, हमने डीप फ्रीज़र के अंदर भी देखा था कि डीप फ्रीज़र और ILR के अंदर आप एक थर्मामीटर रखते हो और दिन में 2 बार उससे टेम्परेचर रिकॉर्डिंग करते हो। मुख्यतः ये थर्मोकपल पे बेस्ड होता है। एक और MCQ आपको आया हुआ था कि भाई कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर कितना होता है, ये याद रखना है। कोल्ड स्टोरेज अलग है, याद है वो बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे आपका सब्जियाँ वब्जियाँ जो फार्मर्स होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं। दोज आर कोल्ड स्टोरेज, उनका टेम्परेचर +8 से +15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये तो हो गया होल्ड ओवर टाइम, डायल थर्मामीटर, कोल्ड स्टोरेज, इन पे कुछ MCQs आए हुए थे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वाइवा में भी पूछी जाती है, प्लस कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है आप लोगों को, शेक टेस्ट। शेक टेस्ट क्या होता है? अब याद रखना कि भाई ये जो शेक टेस्ट होता है ना, इसका मुख्य काम होता है ये देखना कि कहीं जो सस्पेक्टेड एक कोई एक वैक्सीन है जो आपको लग रहा है यार हो सकता है कि जो ILR है, ILR का टेम्परेचर 2 से 8 होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि बहुत नीचे गिर गया था, 0 से भी कम हो गया, लेकिन वापस फिर अब 2 से 8 हो गया। तो 0 से भी कम जब हो गया था तब तो वो जो वैक्सीन होगी वो फ्रीज हो गई होगी, पर अब तो 2 से 8 हो गया है फिर वापस पिघल गई है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि कोई वैक्सीन पास्ट में या बीते समय में एकदम बर्फ़ हो गई थी या फ्रोज़न हो गई थी कि नहीं? तो उसके लिए आप शेक टेस्ट करते हो। तो वही आप आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई फ्रोज़न वैक्सीन थी कि नहीं थी। तो अगर आप सस्पेक्ट करते हो कि कोई वैक्सीन जो है वो बीते समय में फ्रोज़न हो गई थी या माइनस आई मीन टू से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर तक पहुंच गई थी, उसके लिए आप शेक टेस्ट करते हो। कैसे करते हो? आप ना एक वाइल लोगे जो आपको पता है कि भाई ये तो आपको पता है ये वाइल जो है ये फ्रोज़न नहीं हुई है, आपको पता है ये नॉर्मल है, तो उसको आप कंट्रोल वाइल नाम दे दोगे और उस कंट्रोल वाइल को उठाओगे और डीप फ्रीज़र के अंदर रख दोगे। यानी कि आपने क्या कर दिया उसको, आपने उसको पूरी तरह से फ्रीज़ कर दिया, एकदम फ्रीज सॉलिड हो गई, इतना फ्रीज़ कर दिया। अब आपने इसको नाम दे दिया कंट्रोल वाइल, कंट्रोल वाइल या फिर फ्रोज़न वाइल। ये आपकी कंट्रोल वाइल है, इसके थ्रू आप चेक करोगे, क्योंकि ये वायल तो आपको पता है कि ये पूरी की पूरी फ्रोज़न हो गई है। अब उसके बाद क्या किया आपने, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दिया, उसके बाद वो वापस ऐसी लिक्विड फॉर्म में आ गई। ठीक, तो पहली स्टेप क्या की, पहली स्टेप में आपने एक कंट्रोल वायल ली, उठा के उसको डीप फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर दिया, उसके बाद आपने उसको नॉर्मल टेम्परेचर में कर दिया जिससे वो लिक्विड हो गई। मगर ये जो लिक्विड हुई है ना, ये आपको पता है कि ये जो कंट्रोल वायल है ये फ्रोज़न की थी, तो इसके जैसी जो भी होगी वो फ्रोज़न पास्ट में हुई होगी, इसको याद रखना। उसके बाद हमने सैंपल वायल ली, मतलब जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं वायल वैक्सीन की शीशी, कि भाई ये फ्यूचर आई मीन ये पास्ट में फ्रोज़न हुई होगी। तो हमने वो सस्पेक्टेड वायल ली, उसको या तो सस्पेक्ट वायल नाम दे दिया या तो टेस्ट वायल नाम दे दिया। ठीक, अब हमारे पास एक वायल है जो कि हमने डीप फ्रीज़र से निकाली थी, जो कि हमको पता है कि हमने इसको फ्रोज़न किया था, उसके बाद फिर वापस लिक्विड फॉर्म में लाके यहाँ रख दिए, जो कि हमारी कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी कंट्रोल वायल। उसके बाद एक और वायल है हमारे पास जो कि हमने ILR से निकाली है, ILR से हमने निकाली है जो कि हमको ऐसा लगता है कि फ्रोज़न हुई होगी, पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है। तो ये हमारी कौन सी है, ये हमारी हो गई सस्पेक्ट वायल। तो ये दोनों वायल लिए आपने और अच्छे से शेक 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 खूब तेज़ी से आपने दोनों को शेक किया अच्छे से, कंट्रोल वायल और सस्पेक्ट वायल को दोनों को लिया और खूब शेक किया, अच्छे से हिला लिया। उसके बाद आपने क्या किया, दोनों को सस्पेक्ट वायल और कंट्रोल वायल को आजू बाजू रखा और दोनों को सेडिमेंट होने दिया। आपने अच्छे से शेक कर दिया, शेक कर दिया, शेक कर दिया, तो फिर उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो घुल जाएंगी। उसके बाद आपने उसको 5 से 15 मिनट दिए कि भाई सेडिमेंट हो जाओ। अब आपके पास दो वायल हैं, एक वायल है जो आपको पता है कि इसको आपने कंट्रोल वायल है जिसको आपको पता है कि इसको आपने फ्रीज किया था, तो इसके जैसी जो भी वायल होगी वो आपको पता है वो फ्रोज़न वायल रही होगी। तो मान लो कि एक वायल है जो आपकी सस्पेक्ट वायल है,
वो उतना ही समय लगाती है जितना ये कंट्रोल वायल लगाती है सेडिमेंट होने में। और अगर ऐसा है तो आप कह सकते हो कि ये वाली भी फ्रोज़न हुई होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी सस्पेक्टेड वायल है वो एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल वायल ज़्यादा समय लगा रही हो सेडिमेंट होने में। उसके एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये आपकी कंट्रोल वायल जो आपको पता है कि आपने इसको फ्रीज़ किया था, ये आपको पता है इसको आपने फ्रीज़ किया था, तो जो इसके जितना टाइम लगाएगी या इससे ज़्यादा टाइम लगाएगी सेडिमेंट होने में, वो आप कह सकते हो वो भी पीछे के समय में फ्रीज़ हुई होगी। तो ये एक आपकी टेस्ट वायल है जो कि बिल्कुल फ्रोज़न वायल के जितना समय लगाई सेडिमेंट होने में, तो इसका मतलब क्या है, ये भी फ्रीज़ हुई होगी, तो इसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर सस्पेक्ट वायल सेडिमेंट होने के लिए सेम टाइम लगाती है या कंट्रोल वायल से भी जल्दी सेडिमेंट हो जाती है नीचे, तो उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि वो पास्ट में फ्रीज़ हुई होगी। वहीं अगर आपकी सस्पेक्ट वायल जो है वो ज़्यादा समय लगाती है, यानी कि बहुत स्लोली सेडिमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल वायल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये जो है ये अभी भी घुली हुई है, अभी ये पूरी तरह से सेडिमेंट नहीं हुए हैं, इसके पार्टिकल देखो घुले हुए हैं, जबकि जो टेस्ट वायल है वो सेडिमेंट हो चुके हैं उसके पार्टिकल, जबकि जो आपके यहाँ पे दूसरी है जिसको आपने टेस्ट वायल थी जो कि शेक किया उसके सेडिमेंट नहीं हुए हैं, यानी कि ये इससे स्लोली सेडिमेंट हो रहे हैं, यानी कि ये आप कह सकते हो कि पास्ट में फ्रोज़न नहीं हुई होगी, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर सस्पेक्ट वायल जो है कंट्रोल वायल से भी ज़्यादा समय ले सेडिमेंट होने के लिए, तो यानी कि आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो पास्ट में फ्रोज़न नहीं हुई होगी। अगर सस्पेक्टेड वायल सेम समय ले या कंट्रोल वायल से भी जल्दी सेडिमेंट हो जाए, तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि आप कह सकते हो कि वो पास्ट में कभी फ्रीज़ हुई होगी। अब इसका मेन मैकेनिज्म क्या है, सेडिमेंटेशन से कैसे कंपेयर करना है, तो याद रखना कि वैक्सीन के अंदर जो एलम होता है ना, जैसे ही वो फ्रीज़ होता है वैसे ही वो ढीला पड़ जाता है वैक्सीन से, और सेडिमेंट जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो उसके अंदर होता है, तो ये मुख्य मैकेनिज्म है। तो अगर कोई वैक्सीन फ्रीज़ हुई है तो उसका जो एलम है वो ढीला पड़ जाएगा वैक्सीन से और वो जल्दी सेडिमेंट होने लगेगा एज़ कम्पेयर टू नॉन फ्रोज़न वैक्सीन। तो ये है आपका शेक टेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ऐसी 3 शीशियाँ दे दी जाएं और आपसे बोला जाए कि ये कंट्रोल वायल है, तो अब बताओ इसमें और इसमें से कौन सी को आप इस्तेमाल करोगे कौन सी को नहीं करोगे, तो इसको इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि इसने सेम समय लिया एज़ कम्पेयर टू जो फ्रोज़न वैक्सीन या कंट्रोल वायल थी आपकी उसके मुकाबले, और ये वाली आप इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये अभी भी सेडिमेंट हो रही है, यानी कि ये ज़्यादा समय ले रही है सेडिमेंट होने के लिए, या सेडिमेंटेशन स्लोअर है इसका एज़ कम्पेयर टू जो हमारी कंट्रोल वायल थी जो कि हमको पता है फ्रोज़न है। तो जो कंट्रोल वायल है वो हमको पता है कि ये फ्रोज़न है, तो इसके जैसी ही है जो इससे जल्दी हो जाएगी वो भी हम कह सकते हैं कि फ्रोज़न रही होगी, इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं करना। ये कंट्रोल वायल है जो कि हमको पता है फ्रोज़न है, इसके मुकाबले स्लो सेडिमेंटेशन अगर किसी में देखने मिल रहा है, या जो कि इसका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो स्लोअर है, तो हम कह सकते हैं कि ये फ्रोज़न नहीं हुई होगी, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये शेक टेस्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको अलग से शॉर्ट नोट में आता है। उसके बाद आपका टॉपिक आता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैक्सीन वायल मॉनिटर। क्या होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर? वैक्सीन वायल मॉनिटर एक हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है, दैट इज़ पैराटोलुइन सल्फोनेट, जो कि हम वैक्सीन वायल पे लगाते हैं जिससे कि हम पता लगा सकें कि उसको हीट एक्सपोजर हुआ था कि नहीं हुआ था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये आप देख सकते हो अलग अलग वैक्सीन में वैक्सीन वायल मॉनिटर हैं, और इनफैक्ट इनके कलर भी, आप अंदर का जो स्क्वायर है उसके कलर भी आप देख सकते हो अलग अलग है, यानी कि ये अलग अलग हीट एक्सपोजर आपको बता रहे हैं, ये अलग अलग स्टेजेस भी हैं। क्या होती हैं ये हम आगे की पॉइंट में देखेंगे स्टेजेस क्या होती हैं। पहले थोड़ा सा वैक्सीन वायल मॉनिटर के बारे में जान लेते हैं।
पहली चीज़ तो ये देख ली कि हीट सेंसिटिव मटेरियल क्या होता है। पैरा टोल्युइन सल्फोनेट होता है और जैसे जैसे हीट एक्सपोजर होता जाता है समय के साथ वैसे वैसे ये कलर चेंज करता है। आपको क्या बताता है? पहली चीज़ तो बताता है कि भाई वैक्सीन पोटेंट है कि नहीं है, और अगर है कि नहीं, अगर नहीं हुई तो क्या बताएगा कि एफिशिएंसी आपकी कोल्ड चेन की कैसी थी, आपने कोल्ड चेन को ठीक से मेंटेन करके रखा कि नहीं रखा। उसके बाद वैक्सीन वायल मॉनिटर जो होता है आपको मदद करता है बताने के लिए कि कौन सी वैक्सीन पहले इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वैक्सीन किसी का VVM जो है वो सेकेंड स्टेज पे पहुंच गया है तो उसको पहले इस्तेमाल कर लो एज़ कम्पेयर टू जो अच्छा खासा है। तो इसमें अगर फर्स्ट की बात करें ना, इसमें आपको वाइवा में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, FIFO FIFO और FEFO। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आपने पहले ILR के अंदर डाली है वैक्सीन उसको पहले निकालो, या फिर इसको ड्रग में भी इस्तेमाल होता है कि जो आपने ड्रग इन्वेंट्री के थ्रू पहले स्टोर में रखी है उसको पहले बाहर निकालो, या FEFO जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, यानी कि एक्सपायरी डेट देते हैं, देखते हैं ड्रग्स की या वैक्सीन की, और जो पहले एक्सपायर हो रही है उसको पहले बाहर निकालना है। तो मुख्यतः जो फीफो होता है ना वो हम वैक्सीन में इस्तेमाल करते हैं कि जो पहले ILR के अंदर डाली थी उसको पहले बाहर निकालो। तो FIFO आई फॉर इम्यूनाइजेशन, याद रख सकते हैं इम्यूनाइजेशन से वैक्सीन, और एक्सपायर डेट हम ड्रग्स में देखते हैं तो ड्रग्स में मोस्टली हम FIFO करते हैं, और इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन में हम FIFO करते हैं, FIFO FEFO। तो ये याद रखना वाइवा के लिए। मेन पर्पस क्या होता है VVM का? यही देखना होता है कि भाई कहीं हीट डैमेज तो नहीं हुआ वैक्सीन का। तो हमारे पास दो चीज़ हैं, एक फ्रीज तो नहीं हुई ये देखने के लिए शेक टेस्ट है, ज़्यादा हीट तो नहीं हुई ये देखने के लिए VVM है। ये दोनों याद रखना। तो क्या होता है VVM? इसमें ना आउटर सर्कल होता है और इनर स्क्वायर होता है। ये देख रहे हो आप, आउटर सर्कल है और अंदर इनर स्क्वायर है। याद रखना कि जो अंदर का इनर स्क्वायर होता है ना वही बस हीट सेंसिटिव मटेरियल का बना होता है, इसीलिए बस जो इनर स्क्वायर होता है ना वही कलर चेंज करता है, आउटर सर्कल हमेशा ब्लू कलर का ही होता है। यहाँ देखो ये 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 आउटर सर्कल का एक ही कलर है, इनर सर्कल ही जो है ये कलर चेंज कर रहा है, जो इनर स्क्वायर है आपका वो कलर चेंज कर रहा है, आउटर सर्कल हमेशा ब्लू कलर का ही है, क्योंकि इनर स्क्वायर ही जो होता है वो हीट सेंसिटिव मटेरियल का बना होता है। तो वही हीट VVM क्या रिकॉर्ड करता है? आपका हीट एक्सपोजर रिकॉर्ड करता है कि कैसे कैसे हीट एक्सपोजर हुआ है, उसके हिसाब से ग्रेजुअल कलर चेंज मिलेगा। क्या क्या मिलेगा कलर चेंज में, उसके हिसाब से चार ग्रेडिंग की गई हैं या चार स्टेजेस हैं आपकी VVM की, स्टेज 1, 2, 3, 4। तो स्टेज 1 क्या होती है? स्टेज 1 होती है जब अंदर का स्क्वायर लाइटर है बाहर के सर्कल से या वाइटिश कलर का। ये देखो स्टेज वन में क्या है आपको दिख रहा है, जो अंदर का है वो वाइट कलर का है एज़ कम्पेयर टू बाहर का तो वही है, तो ये बहुत लाइटर है या वाइट कलर का है, इस समय आप वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हो, गुड यूटिलाइजिंग। स्टेज 2 क्या होता है? स्टेज 2 में याद रखना कि हाँ थोड़ा बहुत हीट एक्सपोजर हो गया होगा, इसीलिए जो अंदर का स्क्वायर है वो थोड़ा सा डार्क हुआ है लेकिन अभी भी लाइटर है, लाइट ब्लू कलर का है एज़ कम्पेयर टू आउटर सर्कल, अभी भी उसका कलर लाइट है। ये देखो अगर आप इसमें देखो तो ये बाहर के कलर के मुकाबले अंदर का अभी भी लाइट है, अंदर का अभी भी लाइट है बाहर के मुकाबले, तो अभी भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, यूज़ द वैक्सीन। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में आप वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हो, स्टेज 1 और स्टेज 2 में आप वैक्सीन को इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेज 3 की बात करें, थोड़ा सा और हीट एक्सपोजर हो गया अगर, तो इनर स्क्वायर जो है वो ब्लू हो जाता है, यानी कि एकदम सेम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आउटर सर्कल। ये देखो जो इनर है स्क्वायर है और आउटर सर्कल है दोनों ही सेम कलर के हो गए, इनर स्क्वायर आउटर सर्कल दोनों सेम कलर के, अब इसको इस्तेमाल नहीं करना है।
अभी स्टेज थ्री की वैक्सीन को इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो स्टेज थ्री क्या होता है, इनर स्क्वायर आउटर सर्कल दोनों ही सेम कलर के हो जाते हैं, इनर स्क्वायर आउटर सर्कल दोनों सेम कलर के हो गए, वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करना है। स्टेज फोर क्या होता है, और ज़्यादा हीट एक्सपोजर हो गया, इनर स्क्वायर और ज़्यादा डार्क हो गया, मतलब कि जो आउटर सर्कल है ना उससे भी ज़्यादा डार्क हो जाता है, कई बार पर्पल या ब्लैक कलर का हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में भी उसका इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ देखो, ये जो है जो इनर स्क्वायर है और ज़्यादा डार्क हो गया है एज़ कम्पेयर टू आउटर सर्कल, इनर स्क्वायर और डार्क हो गया है एज़ कम्पेयर टू आउटर सर्कल, स्टेज फोर में भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो स्टेज थ्री और स्टेज फोर जो हैं इनमें आपको इस्तेमाल नहीं करना है, स्टेज वन और स्टेज टू जो हैं इनमें आप इस्तेमाल कर सकते हो वैक्सीन को। तो ऐसे आप याद रख सकते हो चार स्टेजेस ऑफ वीवीएम। अब ना वीवीएम जो होता है अलग अलग टाइप्स का भी होता है, चार तरह का वीवीएम आता है, आप नंबर्स के साथ कर सकते हो, वीवीएम टू, वीवीएम सेवन, वीवीएम फोर्टीन, वीवीएम थर्टी। ये जो नंबर्स हैं ना, 2, 7, 14, 30, ये क्या डिनोट करते हैं, ये जो नंबर हैं ये वो समय बताते हैं कि अगर आपने कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रख पाए और 37 या उससे ज़्यादा ऊपर तक टेम्परेचर को एक्सपोज हो गया है अगर आपका वीवीएम या वैक्सीन, तो कितना समय लगेगा इनर स्क्वायर को डिस्कार्ड पॉइंट तक पहुंचने में, दैट इज़ ये नंबर। फॉर एग्जांपल वीवीएम 2 है तो अगर वो टेम्परेचर 37 या उससे ज़्यादा एक्सपोज हो गया है तो उसको 2 दिन लगेंगे डिस्कार्ड पॉइंट तक पहुंचने में, यानी कि स्टेज 3 या स्टेज 4 तक पहुंचने में। या वीवीएम 7 है तो 7 दिन लगेंगे, वीवीएम 14 है 14, वीवीएम 30 है तो 30 दिन लगेंगे उसको स्टेज 3 या 4 तक पहुंचने में अगर वो 37 या उससे ऊपर के टेम्परेचर को एक्सपोज हो गया है। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हो कि कितने तरह के हैं, चार तरह के हैं, 2, 7, 14, 30। उसके अलावा वीवीएम की जो लोकेशन होती है वो भी दो अलग अलग जगह पे होती है, एक या तो वो लेबल पे ही लगी हुई है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वो लेबल पे ही लगी हुई है, या फिर दूसरी चीज़ कि वो लेबल के अलावा कहीं और, या तो कैप या तो नेक पे। ये देखो, पहली चीज़ अगर वो लेबल पे ही लगी हुई है, यहाँ आप देख सकते हो लेबल पे ही लगी हुई है, अगर दूसरी चीज़ कैप या नेक पे, ये देखो कैप या नेक पे लगी हुई है, तो वो दूसरे तरह के। इनका फ़र्क क्या होता है, जो लेबल पे लगी हुई है ना उसका मतलब ये है कि एक बार अगर आपने उस वैक्सीन को खोला तो आप उसको लंबे समय तक कर सकते हो, 28 दिन तक जो कि ओपन वायल पॉलिसी होती है उसके तहत आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आगे आने वाले सब्सिक्वेंट सेशंस में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि अगर वो कैप या नेक पे लगी हुई है, अगर वो कैप या नेक पे लगी हुई है उसका मतलब ये होता है कि आपने एक बार अगर उसको ओपन कर लिया है तो उस इम्यूनाइजेशन के ख़त्म होते होते आपको उसको डिस्कार्ड कर देना है, या फिर विद इन 6 आवर्स ऑफ ओपनिंग आपको उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो ये दो अलग अलग साइट्स हैं वीवीएम की जो आपको पता होनी चाहिए। अगर लेबल पे है, मोस्टली ये लिक्विड वैक्सीन जो होती हैं उनमें आपको लेबल पे मिलती है, और जो कैप या नेक पे है वो मुख्यतः आपको फ्रीज ड्राइड वैक्सीन पे मिलती हैं, क्योंकि फ्रीज ड्राइड वैक्सीन को क्या करते हो, आप रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो। तो रिकॉन्स्टिट्यूट में हमने देखा था कि या तो आप 2 घंटे में या 4 घंटे में उसको आप डिस्कार्ड कर देते थे, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको वीवीएम में भी पता होनी चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो आपको कोल्ड चेन के बारे में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ सवाल का, तो आपको कोल्ड चेन पे, आपको कोल्ड चेन पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपको कोल्ड चेन इक्विपमेंट पे शॉर्ट नोट आ सकता है, या वेरी शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि इन्यूमरेट कोल्ड चेन इक्विपमेंट, शेक टेस्ट पे आपको शॉर्ट नोट आता है, और इनफैक्ट वीवीएम पे भी आपको शॉर्ट नोट आता है, तो आपको पता होनी चाहिए। या वीवीएम पे इनफैक्ट आपको वेरी शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि इन्यूमरेट करो उसकी स्टेजेस, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ वाइवा की, तो आपको कोल्ड चेन तो बेसिक डेफिनेशंस में से एक है कोल्ड चेन, इसका वाइवा में आपसे पूछा ही जाता है। उसके अलावा
आपसे ये भी पूछा जाता है रिवर्स कोल्ड चेन, कई बार पूछा गया वाइवा का क्वेश्चन है कि भाई समझा दो रिवर्स कोल्ड चेन क्या होता है। उसके अलावा हीट सेंसिटिव और फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन क्या होती हैं और ILR में कहाँ रखी जाती हैं ये पूछा जाता है। लाइट सेंसिटिव वैक्सीन आपसे पूछा जाता है कि कौन सी होती हैं और कौन से कलर की वायल में, तो एम्बर कलर की वायल्स में रखी जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपसे वैक्सीन स्टोरेज के बारे में पूछा जाए तो वाइवा में पूछा जाता है OPV को क्या हम डीप फ्रीजर में कर सकते हैं, तो हाँ अगर आपको लंबे समय तक करना है या जगह नहीं है बल्क स्टोरेज करना है तब आप कर सकते हो। डाइल्यूएंट के लिए भी वाइवा में पूछा जाता है क्यों उसको 24 घंटे पहले, रिकन्स्टिट्यूशन के 24 घंटे पहले हम ILR में रखना ज़रूरी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वाइवा में आपसे ये पूछा जाता है रिकन्स्टिट्यूट वैक्सीन में BCG और मीजल्स को कितने समय तक कर सकते हो, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस को कितने समय तक कर सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए। कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स के बारे में आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि इन्यूमरेट करो कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स। उसके अलावा डीप फ्रीज़र के बारे में आपसे पूछा जाता है कि भाई कितना टेम्परेचर होता है और किस लिए इस्तेमाल करते हैं, और वाइवा में आपसे ये अरेंजमेंट पूछा जाता है किस अरेंजमेंट में आप आइस पैक्स को रखोगे डीप फ्रीज़र में। ILR पे डीप फ्रीज ILR में वाइवा बहुत जाता है, पहला तो उसके टेम्परेचर पे जाता है, उसके अलावा वही कि भाई ऊपर के पार्ट में कौन सी रखोगे नीचे के पार्ट में, या हीट सेंसिटिव वैक्सीन कहाँ रखोगे फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कहाँ रखोगे, ये भी आपसे ILR में पूछा जाता है। उसके अलावा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में उतना वाइवा तो नहीं जाता, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि वो आइस पैक कहाँ रखोगे और वैक्सीन कहाँ रखोगे, ये आप वाइवा के लिए पूछा जा सकता है। कोल्ड बॉक्सेस में आइस पैक कैसे रखोगे ये आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है, और किस लिए इस्तेमाल करते हैं ये भी आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है। वैक्सीन कैरियर याद रखना कि ये पॉट्स में भी आता है आपको, और उसके अलावा वाइवा में भी पूछा जाता है, स्पॉट में अगर आपके म्यूजियम में है तो ये आपको रखा ही जाएगा। और क्या पूछा जाएगा, कितने वायल्स रख सकते हैं, कितने आइस पैक्स होते हैं, तो ये आपसे वाइवा और स्पॉट्स दोनों का क्वेश्चन है। डे कैरियर मुख्यतः उतना इस्तेमाल नहीं होता है, फिर भी वाइवा में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कितने आइस पैक और कितने वायल्स आ सकते हैं। आइस पैक स्पॉट्स का बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, स्पॉट्स में आपको आइस पैक रख दिया जाता है। उसके अलावा वाइवा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आइस पैक में पूछी जाती हैं, पहला तो कैपेसिटी बता दो कितनी है, उसके अलावा इसके यूजेस बता दो क्या हैं, उसके अलावा आपसे ऐसे रख दिया जाता है पूछा जाता है हीट सेंसिटिव वैक्सीन और फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कहाँ रखोगे ये बताओ। वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कंडीशनिंग ऑफ द आइस पैक पूछ लिया जाता है, वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो दो होल्स हैं वो काय के लिए हैं, उसमें क्या रखोगे, ये सारी चीज़ें आपसे वाइवा में पूछी जाती हैं। कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स के बारे में बात की जाए तो भाई उतने सवाल तो नहीं आते, लेकिन हाँ आपसे ये ज़रूर पूछा जाता है कि फोकल पॉइंट क्या होता है ये आपसे पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा वैक्सीन फेलियर कहाँ पे मिला जाएगा वो आपसे पूछा जाता है, और AVD एक अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि होल्ड ओवर टाइम आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है क्या होता है, शेक टेस्ट कई बार वाइवा में पूछा गया सवाल कि शेक टेस्ट क्या होता है बताओ, तो ये आपसे बनना चाहिए। वैक्सीन वायल मॉनिटर वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि हीट सेंसिटिव मटेरियल का नाम बताओ, आपसे पूछा जाता है कि भाई बताओ कि कौन कलर चेंज करता है बाहर वाला कि अंदर वाला। उसके बाद आपसे वाइवा में VVM में उसकी स्टेजेस कई बार पूछी गई हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। और टाइप्स में भी पूछ लिया जाता है कि कब आप नेक में रखोगे और कब आपके लेबल में रहेगा, या ये जो नंबर्स डिनोट कर रहे हैं ये क्या हैं, तो ये भी आपको वाइवा के लिए पता होना चाहिए। उसके बाद बात करूं अगर मैं कि भाई MCQs प्रीजी एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमारे नोट्स और स्लाइड में जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं वो सारे MCQs हैं जो अलग अलग PG एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको एक MCQ रिवर्स कोल्ड चेन पे आ चुका है उसके एग्जाम्पल पे कि भाई बताओ कि कहाँ होता है। उसके बाद आपको MCQ आया हुआ है रिकन्स्टिट्यूटेड, ये आता ही आता है हर जगह, एम्स में भी हर जगह, कि रिकन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन BCG मीजल्स कब तक या जैपनीज इंसेफ्लाइटिस कब तक, तो ये भी आपको MCQ आया हुआ है। उसके अलावा ILR पे आपको MCQ आया हुआ है कि कितना टेम्परेचर होता है उसका। उसके बाद वैक्सीन कैरियर पे कई बार पूछा गया है कि कितने आइस पैक रखते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आपसे एक
ये भी एक सवाल एमसीक्यू पूछा गया है पीजी एंट्रेंस एग्जाम में कि मैक्सिमम कोल्ड चेन फेलियर कहाँ देखने मिलता है, तो सब सेंटर और विलेज लेवल या आंगनवाड़ी लेवल पे देखने मिलता है। डायल थर्मामीटर पे आपको एमसीक्यू आ चुका है किस लिए यूज़ करते हैं, तो मॉनिटरिंग ऑफ कोल्ड टेम्परेचर। कोल्ड स्टोरेज पे आपको एक एमसीक्यू मिल चुका है और आपको शेक टेस्ट पे भी एमसीक्यू मिला हुआ है कि किस लिए इस्तेमाल होता है, तो फ्रोजन वैक्सीन है कि नहीं इसको देखने के लिए। वैक्सीन वायल मॉनिटर पे आपको सवाल पूछा जा चुका है एमसीक्यू की भाई हीट सेंसिटिव मटेरियल किस में होता है, तो याद रखना कि इनर स्क्वायर में हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है, ये आपको एमसीक्यू पूछा गया है। और उसके अलावा फोर्थ स्टेज पे भी आपको एक बार एमसीक्यू पूछा गया है, तो आपको दे दिया जाएगा फिगर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सी स्टेज है। जो नंबर्स हैं वो भी आपको सवाल पूछा गया है कि भाई ये नंबर्स क्या डिनोट करते हैं, ये भी आपको एमसीक्यू एक बार पूछा गया है पीजी एंट्रेंस एग्जाम में। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको कोल्ड चेन के बारे में पता होनी चाहिए। कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स, वीवीएम और शेक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।